अब अपना दर्द परसे आए ना है जलवा नुमा, अब अपना दर्द परसे आए ना है जलवा नुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। क्यों मिलूं मैं उससे? मैं तो उसकी शक्ल देखना नहीं जा रहा। आपके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता सादिक साहब, जिंदगी का क्या पता, बार बार आमना सामना। जिस तरह से ऐसन अपने घर वालों के खिलाफ और उनके बगैर मुझसे शादी करने के लिए तैयार है ना, मैं भी कर सकती हूँ। कितना वक्त चाहिए तुम्हें उनसे शादी करने का? शादी 2 घंटे काफी है सारे इंतजाम करने के लिए। 2 घंटे में कैसे करेंगे शादी? होगा सूफियाना तन्हाई। शादी? तुम्हें वहां गए जुमा 8 दिन नहीं हुए और तुम शादी की बात कर रहे हो? तो ये बात अब अपने भाई से पूछे ना। जुमा 8 दिन हुआ नहीं, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये भाईजान को क्या सूझी? चलो उसी वक्त बता देते कि उनकी नियत में क्या है जब तुम्हें अपने पास बुला रहे थे। ये क्या बात, लड़के को बुलाया अपने पास रखा, तीसरे दिन रिश्ता देने बैठ गए। फिर वही बात, मैंने आपसे कहा ना, ये सारे सवाल आप अपने भाई से खुद पूछें। मेरा तो काम तो सिर्फ आपको सारा मामला बता दूं, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं उनको जवाब क्या दूं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मर नहीं गई हूं मैं जो अपने रिश्ते की बातें खुद करते फिर रहे हो। कर रही हूं मैं भाईजान से बात। अल्लाह हाफिज़। अमर, तुम जज्बात में आगे जल्दबाजी का सबूत दे रही हो। कल ही तो तुमने बात की है, थोड़ा वक्त दो, मान जाएंगी। अपनी माँ को मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ। जब उन्होंने ना कह दिया तो ना ही है। मेरी मोहब्बत, मेरी मिन्नत, मेरी समाजत, रोना धोना, आंसू किसी काम नहीं है। अब 2 ही रास्ते हैं मेरे पास, या तो उनकी बात मान लूं या अपने दिल की सुन लूं। तो मैंने अपने दिल की सुनने का फैसला किया है। जब फैसला यही कर लिया है और इसी पर अमल करना है तो देर किस बात की? लेकिन अमल मेरी, तुम खौफजदा हो रहे हो ना, हिचकिचा रहे हो कि आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा। उस पर यकीन रखो और मुझे इंतजार करने का मत कह। मैं आज के दौर की लड़की हूँ, आज ही मैं रहने वाली हूँ, तो जो आज करना है तो अभी क्यों नहीं? तुम जानती हो बचपन में जब भी तुम्हें कुछ बुरा लगता था, तुम रोती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मैं अहमद से लड़ता था तुम्हारे लिए, अगर कुछ ना कर पाता तो खिलौने तोड़ देता। फिर तुम अचानक चली गई, सब बदल सा गया, मैं भी बदल गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों बदला। तो मेरी जिंदगी में वापस है, मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता, अगर तुम अब गई तो मैं दोबारा से तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। तो जब मंजिल एक ही है तो एक किस बात की? मन मुझे गलत मत समझो, मैं कम हिम्मत नहीं हूं, मुझे बस सच्ची का ख्याल आता है। हमेशा से उन्होंने दुखी देखे, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जब जंगे होती है ना तो बहुत से बेकसूर लोग सदमे आते हैं। जंग? मोहब्बत भी तो जंग की तरह ही है, जिसे कभी कभी अपनों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। Thank you.
मामा वो आ जाएगी, आप परेशान मत हो। नहीं, तुमने उसके तेवर नहीं देखे, वो कुछ कर जाएगी आज। मेरी उम्र भर की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में रोल देगी। अम्मी, अब रोने का क्या फायदा, जब रोकना चाहिए था तो आपने रोका नहीं। उस वक्त वो अपने आप में नहीं थी ना, तो अब रोने से, शोर मचाने से क्या होगा? दो थप्पड़ मारती तो रुक जाती वो। जिसे मेरे आंसू नहीं रोक सके, उसे मेरे थप्पड़ क्या रोकते? इसे मना करो इकरा ये सब करने से, ना बहुत बुरा होगा। लोग क्या कहेंगे कि मैंने ये तरबियत की है तुम लोगों की? दुनिया पहले ही डराती है कि बगैर बाप के औलाद नहीं पलती। अब मुझे ताने भी देंगे कि अगर बाप सर पे होता तो ये ऐसे ना करती। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत में पानी फेर दिया इस लड़की ने। से रोको इकरा, से क्या वापस आ जा। अम्मा, वो जब से गई है मैंने कई बार कॉल की है, वो रिसीव नहीं कर रही। हाँ, क्यों उठाएगी अपना फोन? उसे तो अपनी मनमानी करनी है। तो ठीक है, मैं ही हार मान लेती हूँ। दुनिया की थू थू से बचने के लिए ये कड़वा घूंट पी लेती हूँ। जाओ इकरा, उसे बताओ कि माँ हार गई है, वो मान गई है तुम्हारी बात। बस इस तरह से हमारे सर पे खाक ना पड़े, वो वापस आ जाए। जिससे कहती है, जिसके साथ कहती है, मैं कर दूंगी। ये सब करके आप अंबर को शह दे रही। वो जानती है, वो जानती थी कि वो ये सारा तमाशा करेगी और आप उसके सामने घुटने टेकेंगे। तो क्या करूं? एक अकेला लड़का जिसके साथ ना उसके माँ बाप होंगे ना बहन भाई, उसके साथ बेटी पे आते हुए लोगों के सवालों का क्या जवाब देती? कि जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी क्यों कर रही हूँ? इस खौफ से डरते हुए मैंने उसे रोका था, लेकिन ये बात उस बात से कई बेहतर है कि वो खुद शादी करके ये घर छोड़ के चली जाए। तब मैं लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगी? मामा ठीक कह रही हैं, कम से कम हमारी इज्जत तो रह के आएगी। शर्मिंदगी है, लेकिन शर्म से मरने का मकाम तो नहीं। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, फिर हर जंग लड़ी जा सकती, सबको हराया जा सकता है, बस लड़ना आना चाहिए। अंबर को तो ये आता है, मुझे ही नहीं आता। मैं क्या किसी को हराऊंगी? मैं तो पहला कदम लेते ही शिकस्त मान लेती। बयाने हाले दिले जा, बस करे, मैं कॉल कर रही हूँ। तो किस दर पर मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई।
मम्मा नहीं उठा रही वो फोन, तुम मैसेज कर दो ना बेटा, उसे कहो वो जो चाहती है हम कर देंगे, लेकिन कोई उल्टी हरकत ना करे, बता दो उसे कि मुझे उसकी हर शर्त मंजूर है, बेशक कल ही उसी लड़के के साथ दो बोल पढ़ा के रुखसत कर दूंगी और अपनी इज्जत बचा लोगे। जिस लड़के ने तुम्हें चंद दिनों में इतना बेलिहाज कर दिया है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो। शर्म आनी चाहिए अंबर, कितना अरसा हुआ है उसे मिले हुए, एक महीना या दो महीने, और मेरी सब कुर्बानियां भूल गई, मेरे सब अरमान सब ख्वाब भुला दिए तुमने, बस वो एक याद रह गया तुम्हें। तुम लोगों की खातर अपनी ख्वाहिश को कुचला, तुम मेरी इज्जत रखने के लिए मेरी बात नहीं मान रहे। जुनून इश्क है सूफियाना तन्हाई, सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। अंबर मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। मैंने खुद से फोन ऑफ किया हुआ था, घर से बार बार कॉल्स आ रही थी, मुझे डर था कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं और इरादा ना बदल जाऊं। तुमने इंतजाम कर लिया सारे? हाँ, काजी का इंतजाम हो गया है। मेरे तो दोस्त हैं, उन्हीं के घर निकाह, सब रेडी। क्या तुम रेडी हो? अब अपना दल ठीक, चलो। करें मामा, और कितना रोएंगी आप जब तक वो वापस नहीं आ जाती। मैंने मैसेज कर दिया है ना उसे मामा, आप देखिएगा वो मैसेज पढ़ते ही वापस आ जाएगी। यही चाहती थी ना वो कि आप उसकी सारी शर्तें मान लें, तो फिर जब आप उसकी सारी शर्तें मान रही हैं, तो वो क्यों अपनी मनमानी करेगी? वो आ जाएगी। ना सलाम ना दुआ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मुझे तो हैरान कम परेशान ज्यादा लग रही हो, खैरियत तो है ना सब? नहीं मामी ऐसी कोई बात नहीं, इसमें आप लोग इतने दिनों बाद आए ना, मुझे लगा अंबर आ गई है। आए ना आप लोग, आए खड़े क्यों?
चलिए मम्मी हाँ। चलो क्या बात है आप नजर नहीं आते आ रही है आप लोग आए ना बैठे आप लोग वो रजा क्यों नहीं आया उसे भी साथ ले आ गई है क्या बात है आज आप लोग बेताबी से अंबर का इंतजार कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपा वालेकुम सलाम कुछ नहीं ऐसे क्या बात है आपा तबीयत तो ठीक है आपकी ये रंग आपका इतना पीला क्यों हो रहा है हाँ मैं भी देख रही हूँ आंखें भी सुर्ख हो रही हैं सूजी सूजी हैं ऐसा लग रहा है बहुत रोई हैं नहीं नहीं मैं क्यों रोऊंगी वो एक्चुअली मामा का बीपी हाई रहता है ना पता तो है आप लोगों को इसीलिए शायद आंखों में स्वेलिंग हो रही है मामू बताएं ना क्या चाय बनाऊं या ठंडा पियेंगे कुछ भी ले आओ वैसे तो तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारे हाथ की चाय हमें बहुत पसंद है मैं बना लेती हूँ हाँ, दूध पत्ती बनाना जी आपा उस दिन आपने एक बात की थी मुझसे और ये वर्ष आपने मुझे ही सौंपा था इसीलिए आज हूँ कैसी बात वैसे तो शहजाद ने कान पकड़कर तौबा कर लिया है कि आइंदा रिश्ता करवाने के मामले में पड़ेंगे ही नहीं जाहिर सी बात इतना बखेड़ा अलग होता है और जो अगर ऊंच नीच हो जाए तो रिश्ता करवाने वाले का ही गिरेबान पकड़ा जाता है मगर मैंने इन्हें समझाया है कि जिद छोड़ें और बच्चियों के बारे में सोचें जाहिर सी बात है हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा आपा सच बताऊं फरिया को आपकी और आपकी बच्चियों की बहुत ज्यादा फिक्र है और खासतौर पर इखरा की जब से उसे तलाक हुई है तुम बताओ ना तुम्हारी जाने वाले हाँ आपा मेरी खालाजाद बहन है ना जो मुल्तान गई है शादी होकर मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले आपको शायद याद नहीं आ रहा उसकी ना जिठानी की अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है अच्छा बताया होगा लेकिन मुझे याद नहीं है हाँ वो उसका जेठ है ज्यादा उम्र का नहीं है यही कोई 45 साल होगी उसकी उम्र दो छोटे छोटे बच्चे हैं शुक्र करें कि लड़के हैं लड़कियां होती हैं तो पालना भी मुश्किल हो जाता है तो आप अच्छी तरह जानती हैं क्या कह रही हो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा फरिया इखरा के लिए रिश्ता लेना था उसकी बात कर क्या तुम आज ही अम्मी को बताओगी आज नहीं अभी मेरी मानो तो एक आध दिन रुक जा उसके बाद बता देना एक आध दिन क्यों देखो मैं भी आज अपने घर जाऊंगा सबका जहन बनाऊंगा फिर बताऊंगा तो तब तक कहाँ रहूंगी मैं क्या मतलब कहाँ रहूंगी अपने घर और कहाँ अपने घर तो नहीं रह सकती ना तुमसे शादी की है तुम्हारा घर ही मेरा घर है और हाँ अम्मी के पास जो हम जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं ताकि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं और उन्हें ये बताएं कि हमने निकाह कर लिया है लेकिन तुमने मुझे ये बात पहले तो नहीं बताई थी बताने वाली क्या बात है तुम्हें पता होना चाहिए तुमने मुझसे निकाह किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ मैं तुम्हारे घर ही रहूंगी ना ठीक है जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो फिर ये भी कर लेते लेकिन यकीन मानो मुझे अपनी अम्मी की परवाह नहीं मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि वो क्या कहेंगी शादी का सुनकर लेकिन मुझे नाहीद आंटी की परवाह है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा प्लीज उन्हें एक साथ ये दोनों शौक मत दें मैं तुम्हारे साथ वहां जा रहा हूँ तो उन्हें बता सकती हूँ कि तुमने मेरे साथ निकाह किया है लेकिन प्लीज ये मत बताना कि मैं कौन हूं
ठीक है, अभी वो पहले गुस्से में होंगी और गुस्सा नहीं दिलाऊंगी उन्हें। फिर उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर बता दूंगी। किस खानदान से हो तुम? कौन हो तुम? इतनी नीच हरकत करने वाला तो नीच खानदान से हो सकता है ना? लेकिन अभी कुछ दिन ठहर जाती फरिया। मैं जानती हूँ आपा कि इकरा भी इद्दत में है, लेकिन इद्दत खत्म होने में भी दिन ही कितने बाकी हैं। और फिर दोनों की दूसरी शादी होगी, कौन सा इतना हल्ला गुल्ला करना पड़ेगा आपको? अब एक ही बेटी की दोबारा शादी करने पे बार बार तो पैसे नहीं खर्च कर सकते ना। आप कहें तो परसों का रख ले, छुट्टी का दिन भी है, मैं भी फारिग हूँ। मैंने कहा ना शहजाद, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए। लो, वो तो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द शादी हो जाए। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि उन्हें कोई संभालने वाली घर आ जाए। मैं तो कहती हूँ आपा, जब तक इद्दत खत्म नहीं होती ना, आप जरा जाके उसके घर वालों से मिल लें, लड़के से भी मिल लें, बाकी गारंटी मेरी है, सुखी रहेगी हमारी इकरा, बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा उसे, लड़का भी बहुत अच्छा है, और ना सास ससुर की झंझट, दो बच्चे हैं ऐसे के, वो भी इतने छोटे हैं कि इसी को अपनी माँ समझेंगे। आपा पैसा भी बहुत है। ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मैं कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे मजबूर मत करो, मैं एक दो दिन में बता दूंगी ना। मैं तो आपके चेहरे को देख के अंदाजा कर गई थी कि कोई बात जरूर है, वो बात अलग है कि आप टाल गई हैं। अब बता दें आपा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है? नहीं, परेशानी क्या होगी, बस आजकल तबीयत ही ठीक नहीं रहती, इसलिए घबरा जाती हूँ कि कोई बड़ा मसला ना हो जाए। आप ना माने आपा, लेकिन आपने जिम्मेदारियों का बोझ उठा रखा है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह का नाम लेकर सोचे रिश्ते के बारे में, बाकी जिम्मेदारियां भी एक एक करके तय हो जाएंगी। इकरा, देखना बाहर कौन आया है। जी मामा। चली गई थी तुम, सुबह से तुम्हें कॉल्स करी, अंदर आके देखो मम्मा की क्या हालत है। बता के तो गई थी, वापस भी आ गई, लेकिन अकेले नहीं आई, ऐसे मेरे साथ आए। चल, ये अंदर नहीं जा सकता। क्यों अंदर नहीं जा सकता, मुझे मम्मा से मिलवाना। मैंने कहा ना तुमसे कि ये इस वक्त अंदर नहीं जा सकता। खुदा के लिए तुम इस वक्त चले जाओ, ना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। अमर कहो इससे जाए यहाँ से। ये मेरे साथ आया तो मामा से मिलवा के जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए अमर, मामा की तबीयत कल रात से वैसे ही खराब, कोई तमाशा हो गया तो और बिगड़ जाएगी। मामा से मिलवा के लेके जाऊँ, मामा मुझे कहेंगी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन आपके कहने पर नहीं जाऊँगी। देखो मैं तुम्हें कुछ भी करने से मना नहीं करती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ तुम इस वक्त ये अंदर नहीं जा सकता। ये तो दरवाजे पे जाके रुक गई, किससे बातें कर रही है? आवाज तो अंबर और इकरा की ही लग रही है मुझे, मगर अंदर पता नहीं क्यों नहीं। मैं देखता हूँ। मेरे साथ आया, मैं साथ ही अंदर लेके जाऊंगा, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब हम जिंदगी भर के साथ हैं, निकाह कर लिया हम दोनों। निकाह? मिल गया सुकून तुम्हें? इधर आओ मामू, इधर आओ मामू।
छोड़ता हूँ, पहले इधर आओ। आपा पूछे पूछे इसे क्या किया, इसे क्या किया, क्या करके आई हो? इससे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछे मैं बताऊंगा। बस यही कसर रह गई थी देखने का कि राह चलते आदमी का हाथ पकड़े और घर में लेके आए और बोले कि मैंने शादी कर ली है। मामा भाई रुक जाओ, मैंने तुम्हारी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी जोड़ी थी जो तुमने मुझे ये सजा दी? आंटी हम निकाह करके सीधा आपके पास आए आपकी दुआ लेने। दुआ लेने? क्या कह रहे हो? हमारे खानदान की इज्जत तुमने मट्टी में मिला दी और दुआ लेने आए हो? कुछ अंदाजा है कि खानदान की इज्जत क्या होती है? अंदाजा है तुम्हें किस खानदान से हो? तुम हो कौन? तुम बोलो कौन हो तुम? अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं कि ये कौन है और किस खानदान से है? इतनी नीच हरकत करने वाला तो नीच खानदान से हो सकता है ना? बस फरिया अब गैरों से क्या छुपा करें जब अपनी ही बच्ची ऐसे जुर्म में उसका साथ दे। मैंने कुछ गलत नहीं किया मां, निकाह किया है मैंने। हाँ मैंने अपनी मामा की मर्जी के खिलाफ जाके ये सब कुछ किया, लेकिन उनको बता के किया और सबसे पहले उनके पास आई। अगर कुछ गलत किया होता तो मुंह छिपाए फिर रही होती, इस तरह आप सबके सामने आके खड़ी ना होती। इसे बेगैरती और ढिटाई कहते हैं बीबी, जरा सी भी गैरत शर्म होती ना तो इतनी घटिया हरकत कभी ना करती। और आपा आपके नीचे मुंह करके बैठी हुई है, उठे दो थप्पड़ लगा इसको। इसके मुंह पे थप्पड़ लगाने से वो कालिक तो नहीं मिट जाएगी जो इसने मेरे मुंह पे थोपी है। तो फिर बिल्ली थैले से निकल आई ना, समझ आ रहा था मैं तुझे कैसे ही मोहब्बत नहीं जाग रही अपने भांजे की, तेरे भाई के दिल में कुछ है। वही तो अहमद की जुबान बोल रहा था। अहमद ने सोचा होगा पसंद की शादी तो हुई नहीं, मामू की बेटी से कर लेता हूँ, जमा जमाया कारोबार मिल जाएगा। और छोड़े उसको, हद तो इस बात की है जो बात मुझे गुस्सा दिला रही फिर ये बात उसे करने की है। मर गई हूँ मैं, हम दोनों है ना अभी जिंदा है, हमें एक फोन तो कर, एक फोन नहीं किया भाई जान ने। अच्छा दूसरा उसको भी छोड़े, दो बेटियां हैं ना, मैं समझी छोटी बेटी की बात कर रहा है, शक्ल की मामूली सही, हम उम्र तो है ना, नहीं छोटी नहीं वो बड़ी तलाकशुदा, दो बच्चे, वो उसके सर पे थोप रहे। वो सुन रहे हैं? हद होती है दीवार से बातें कर रही हूं मैं, मतलब ये कि आगे से इंसान कोई जवाब दे देता है चने खा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था दाल में कुछ काला है जैसे तेरा भाई काला है। तुमने अपनी मनमानी करनी थी ना, फिर क्यों आई हो वापस यहाँ? हाँ मामा को तकलीफ देने या हम सबको ये बताने कि तुम्हारी नजर में हमारी क्या औकात है, क्या अहमियत है हमारी? इस शख्स का इंतखाब किया ना तुमने, तो फिर जाओ ना इसके साथ। मामा के सबर का इम्तिहान मत लो अंबर, सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं यहाँ से, ये आपका घर नहीं है मेरी माँ का घर है, जितना हक आपका है ना इस घर पे उतना मेरा भी है, और मेरी माँ पर से मेरा हक खत्म नहीं हुआ है अभी। मैं ये हक खत्म करती हूँ, नहीं है मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता, मैं खुद ये रिश्ता तोड़ती हूँ माँ बेटी का। मामा
ये मेरा घर है ना, चली जाओ यहां से, इस घर से भी और हमारी जिंदगियों से भी। यहां से तो मैं खुद ही चली जाती हूँ मामा, लेकिन इस तरह से निकाले तो नहीं ना, इस तरह से रिश्ता तो मत तोड़े। लड़कियां तो वैसी शादी होके पराई हो जाती हैं, लेकिन उनका उनके अपने घर से रिश्ता तो नहीं टूटता ना। मत करे, किस रिश्ते की बात कर रही हो और किन लड़कियों की? वो लड़कियां जब अपने बुजुर्गों के साए में रुखसत होती हैं, या तुम जैसी जो सारी बदनामी समेट कर अपने घर ले आती हैं? आंटी, आंटी मैं मानता हूं उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, बल्कि बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई, लेकिन प्लीज हालात का तकाजा ही कुछ ऐसा था कि हमें ये कर... भाई कौन से हालात, कैसे हालात हैं, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी तुम लोगों पर? बस कोई सवाल जवाब नहीं हो, जो ये करना चाहती थी वो इसने कर लिया, सारा किस्सा ही खत्म हो गया। सुना नहीं तुमने, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, चली जाओ अपनी उस जिंदगी में जिसे खुद तुमने अपनी मर्जी से चुना है, ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर, तुमने इसे मेरे दिल से नोच फेंका, यहां से भी ले जाओ इसे। चले यहां से। सुना नहीं तुमने क्या कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकालूं? चलो। आपको संभाल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सोच समझ के ये स्टेप लेना चाहिए, अपने साथ साथ हम दूसरों को भी तकलीफ में डालेंगे। मैं जानती थी ये सब कुछ होगा, लेकिन उनको तकलीफ में भी तो नहीं देख सकती, वो दुखी है, उसके साथ साथ मुझे कितना दुख होगा मुझे अंदाजा था, और कोई चॉइस भी तो नहीं थी ना। चॉइस तो थी, हम इंतजार कर सकते थे अगर चाहती थी। मैं इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था आप जितनी भी कोशिश कर रहे कोई भी नहीं मानेगा, जो काम कल करना है आज के लिए। ठीक, जब सब कुछ सोच समझ के किया है तो फिर अपना दिल मजबूत करो, इसे रोते हुए मेरी जिंदगी और मेरे घर में आओगे, अपने आप को मजबूत करो। ये तो अच्छा हुआ कि आज जो कुछ हुआ अपनी आंखों से देख लिया, वरना इस घर में क्या कुछ होता होगा आपा ने कभी नहीं बताया हमें। सही कह रहे हैं आप, आपा ने तो सारी जिंदगी अपनी बेटियों के करतूतों पे पर्दा ही डाला है, बस रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड दिखा दिखा के मुतासिर करती रही और शो मारती रही। अरे ये कभी नहीं बताया कि बेटियों के किरदार किस तरफ जा रहे हैं, भला इन मेडल्स और रिपोर्ट कार्ड का अचार डालना है जब बेटियों के लक्षण ही ऐसे होंगे? तौबा तौबा तौबा। और अब देखो कमरा बंद करके बैठी हुई है, ऐसा लगता है दुनिया से मुंह छुपा के बैठने से मसले हल हो जाएंगे। कब दिन कटेगा, कब सुबह होगी, मतलब मोहल्ले वालों को बताना तो पड़ेगा ना कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है, कब तक बात छुपाएंगे? अरे आप फिक्र में क्यों डूब रहे हैं शहजाद, देख लीजिएगा
आपकी आपा के पास भी एक तैयार किया हुआ अच्छा सा बहाना होगा इस बात का भी। मुझे तो लगता है कि फरहान जो यहाँ से गया है उसने देख लिया होगा कि दाल में कुछ काला है। अनिला, कब तक अपने बेटे के ख्यालों में गुम रहेगी तू? खाना खिला दे, मुझे भूख लग रही है। बना रही हूँ खाना। आ जाओ, आज से तुम्हारा ही घर। आ जाओ। कौन है ये? आपकी बहू, मैंने आज ही शादी की। क्या बकवास कर रहे हो? कौन है ये लड़की? मैंने कहा ना, आपकी बहू, बीवी है मेरी। घूर घूर के क्यों देख रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। आज मैं कह रही हूँ, कल सारी दुनिया बोलेगी कि छोटी ने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली है तो बड़ी ने क्या करतूत किए होंगे जो चंद दिन के अंदर उसका शौहर भाग गया है। बस करें मामी, कुछ खुदा का खौफ करें आप। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? खुदा का खौफ करें? सिर्फ हम ही करें? तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है? छोटे बड़े की तमीज भूल गई हो क्या? चलो मत करो, दुनिया वालों की तो परवाह कर लो। अच्छा बस, रास्ता चलती हुई लड़की को घर ले आएगा तू और तू समझेगा कि हम मान लेंगे कि ये तेरी बीवी है, हैं? ऐसे ही किसी लड़की को नहीं ले आए। जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो समझ आएंगे आप। रात के अंधेरे में बड़ों की मर्जी के बगैर जो लड़कियां आती हैं इस तरह, वो कौन होती है ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जहां से लेकर आयो छोड़ा, ऐसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। कदम तो मैं रख चुकी हूं। अच्छा, मुझे उखाड़ने भी आते हैं। पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ लोग कदम उखाड़ने के लिए नहीं रखते, कदम जमाने के लिए रखते हैं। वाह, देख रही है कैसी बातें कर रही है? इसके तेवर देख के सबको समझ आ जाएगी कि किस तरह की तरबियत दी है इसके घरवालों ने इसको। तरबियत से ज्यादा खून का असर होता है, कुछ चीजें जीन्स में शामिल होती हैं। शर्म आ रही है ना आपको कि दुनिया को क्या जवाब देंगे? तो फिर यहाँ खड़े क्यों हैं आप? चले क्यों नहीं जाते इससे पहले कि कोई आए और आपसे सवाल पूछे? वैसे भी इतने अरसे में आपने हमसे वही ताल्लुक रखा है जो कोई भी रिश्तेदार रखता। इतने बड़े खानदान, इतने लोग हैं, हर किसी के घर में जाके आप पता करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं? नहीं ना, कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि आप लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, चले जाएं यहाँ से आप लोग। सुन लिया? सुन लिया आपने? देख लिया? अरे कल की लड़की कैसे मुंह को आ गई है हमारे? आपा तो अंदर कमरे में मुंह छिपाए बैठी है ताकि किसी को जवाब ना देना पड़े, और इन मेंढकियों को हमें जलील करने के लिए छोड़ दिया है। चले अब, बहुत हो गई है शहजाद, अब मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। ये जाने इनकी बेगैरती जाने, चले। अपने मुंह से मांग रही है किसकी रगों में गंदा खून है, तुम उसे घर उठा कर ले आए। अच्छा बस, हम तो समझ रहे थे हसन कि सुधर गया है तू, हैं? तूने तो सारी हदें पार कर ली। ले जाए इसे, हम मानने वाले नहीं इसे। क्या मैं आपको निकाहनामा दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि शरई तौर पे ये मेरी बीवी है? और एक और बात, हम दोनों अब इसी घर में रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको इस बात से भी मसला है और आप चाहती हैं ये चली जाए यहाँ से, तो ठीक, मैं कह देता। लेकिन एक और बात कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। नहीं ऐसे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी संगदिल नहीं हूं कि एक माँ से उसकी औलाद को जुदा करूं। मैं यहीं रहूंगी, मैं ये ठान कर आई थी चाहे कुछ भी हो जाए इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई मुझे जगह बनाने भी ना दे, फिर भी अपनी जगह मैं खुद बना लूंगी। जब मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुमने कुछ नहीं बताया। क्या मैं तुम पर अपनी मर्जी थोप सकती थी? मुझे बता देते
इज्जत से मोहब्बत से चाव से इसका ब्याह करके ले आती इसे यहाँ पर, मगर जरूर बताता, पर मसला यह है शायद आप रिश्ता लेने जाती ना, और हो सकता है पूरी कोशिश करती मुझे रोकने की। अच्छा बस बस बहुत हो गया, इसकी हरकतों से मुझे पता चल गया है किस किस्म का खानदान है इस लड़की का। हम नहीं मार रहे इस रिश्ते को, मैं ही मार रहे इस रिश्ते को, ले जाए इसे वापस। सादिक साहब बोल वही बोले जिनके लिए कल को पछताना ना पड़े, और इससे पहले कि आप दोनों और जहर उगलें मैं इसका तारुफ करवा देता हूँ। इसका नाम है अंबर सादिक और माँ का नाम है नाहीद। बस और ज्यादा नहीं सुनूंगा बात तेरी, बकवास कर रही हो तू, मैं नहीं मान रहा। आज से किरण के साथ साथ तू भी मेरे लिए मर गई। भूल गई, याद दिलाऊं? आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दे। मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, मुझे ये रोशनी बुरी लगती है, बंद करो ये पर्दे। अम्मी आपको रोशनी बुरी नहीं लगती, आपको रोशनी से खौफ आ रहा, यूं ही कहीं के दिन निकल जाने के तसव्वुर का खौफ। लेकिन अम्मी, लेकिन दिन तो गुजरेंगे अम्मी, बात भी फैलेगी और फेस भी आपको सब कुछ खुद करना होगा। कब तक यूं अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी रहेंगी? सारी रात मैंने इतनी दुआएं मांगी,
तरह से गिड़गिड़ा के कहती रही कि मुझे दिन का उजाला ना दिखाए, इज्जत रख ले, काश मेरा दिल बंद हो जाता, मैं ये सुबह ही ना देखती, अल्लाह को मुझ पे तरस ना आया। क्यों अब तू मरने की दुआएं मांग रही? अगर अंबर को आपकी परवाह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही और मुझे आपकी जरूरत नहीं। अगर उस पर से आपका एतमाद खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर से हमारा हक भी खत्म हो गया। खबरदार जो आइंदा आपने ऐसी बात की, अगर मौत आनी है तो उससे आए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अल्लाह ना करे। मतलब अभी भी आपका दिल उसी के लिए धड़कता है। ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये सब कुछ वक्ती है अम्मी। वो वापस आएगी, आपसे माफी मांगेगी, दो चार आंसू बहाएगी और आप उसे माफ कर देंगी, सीने से लगा देंगी उसे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं। ऐसा ही है, आप करेंगी उसे माफ, ये बात आप भी जानती, मैं भी और वो भी, इसलिए तो इतनी दिलेरी से हरकत करके चली गई। कोई डर नहीं है उसे, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जानती है कि आप ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रहेंगे। अम्मी वो अंबर है, अनम नहीं है। आपकी नाराजगी के खौफ से या आपके दिल टूटने के डर से अपना फैसला बदल ले, वैसा कभी नहीं करेगी। खैर, आपने कल से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। जिंदगी हराम हो गई मेरी, इसी बात का डर होता था सारी जिंदगी कि क्या करूं मैं अब इसका, खुदा की कसम क्या करूं। इसको देखो, आराम से सो रहे हैं यहां पे, जिंदगी हराम हो गई मेरी। मैंने कहती थी नागिन है ये, नागिन आराम से नहीं बैठेगी, पलट कर वार करेगी, ये देखें ऐसा वार किया है, बेटी को भेज दिया यहाँ पे। चुप कर जा नीला, खुदा का वास्ता चुप कर जा, तू सारी रात बोलो शोर बचाते रहे, अब तू बकबक किया जा रही है, दिन चढ़ गया, सोने दे मुझे थोड़ा सा। हाँ बकबक, अब तो मेरी सच्ची बातें भी बकबक लगेंगी ना आपको, सगी औलाद जो पहुंच गई, अब तो मेरी हर बात बुरी लगेगी आपको। नहीं ऐसी बात नहीं है, देख बड़ी खार आ रही है मुझे तेरे बेटे ऐसन पे। हाँ ऐसन का नाम मत लो, सिर्फ अपनी बेटी का भी नाम लो, शादी करके पहुंच गई यहाँ पे, बेशरम कहीं की। एक बात सुन, जब से नाहिद यहाँ से गई है ना, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेन देन नहीं है मेरा इनसे। कैसा लेन देन नहीं है? हाँ कैसा लेना देना नहीं है, पहुंच चुकी है वो यहाँ पे, कल माँ को और बहनों को भी लेकर आ जाएगी। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुझे, जा जाके अपने बच्चे पे उतार, तू सब किया था उसका है, बारात में लेके नहीं आया। इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो रोना है। अल्लाह में क्या आप ही मेरी और अंबर की बुक्स पड़ी हुई है ना, जब आप हमारी क्लास में थी इसलिए आप हमारी तैयारी करवा रही हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी कैसे करेंगी? कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, आखिर का सारा साल में तो तैयारी की होती है ना। अच्छा खैर,
अब तो रोना बंद करो और जो मैं तुम्हें गायब हो तुम करो, इनकी इस चीज से तैयारी करो, मैं तुम्हें से सुनूंगी। और तुमने कहा तुम कहाँ तक पहुँचे, देखो मैं तुम्हें दिया था वो कर लिया, मैं आगे और दे रही हूँ वो भी कर, चलो गुड गर्ल। हाँ जुनून इश्क है ये सूफियाना तन्हाई, जुनून इश्क है ये सूफियाना तन्हाई, सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। क्या चाहिए, भूख लगी? अंबर क्या चाहिए? मामा बयान आस्ताना तन्हाई, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। मामा देखिए अम्मा नाश्ता नहीं कर रही है, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, आप इसे खुद ही खिला रहे हैं। और अब ये 5 साल की हो गई है, इसे भी स्कूल में दाखिल करवाएं। 3 दिन हो गए तुम लोगों की फीस मांग रही, कभी तुम्हारी दादों से तो कभी तुम्हारे बाबा से। इसके स्कूल एडमिशन की बात क्या करूंगी मैं? उसी को खाके दरे यार जान ले, उसी को खाके दरे यार जान लेते हैं, जहां भी सजदा करे आज जाना तन्हाई। आज अनिला चाची की बर्थडे नहीं है, आज उनकी शादी है। जहां भी सजदा करे आज जाना तन्हाई। और पता है किससे? हाँ पता है मुझे, हमारे बाबा से। तन्हाई 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 गमा दबा, तन्हाई 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 मरे घर सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई सूफियाना। सारी रात तूने सोने नहीं दी, अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है भाई? देख लेना जाके। तू भागना चाहती है मुझसे क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम मेरे सामने कमजोर ना पड़ जाओ और अपने दिल की ना मान लो, अपने फैसले खुद करना सिखाना। अल्लाह मैं कैसे रहूंगी इस घर में, मेरी औलाद नहीं है ये। अल्लाह खुदा की कसम,
अल्लाह। अनिला, अरे जा ना, रोने धोने से तुझे फुर्सत मिल गई हो तो जाके देख तो सही क्या तूफान मचा हुआ है। कभी प्लेटें टूट रही हैं, कभी ग्लास टूट रहा है, तूफान आया हुआ है, क्या हो रहा है देख तो सही जाके। बेटी आ गई है आपकी, इसलिए हलचल मच गई है, जाओ जाकर खुद पूछो। तो बेटा तो तेरा लेके आया ना, मैं क्यों पूछूं, तू जाके पूछ खुद। ठीक है, अगर मैं पूछूंगी ना तो अपने तरीके से पूछूंगी, फिर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा तो तेरा लेके आया है, जा कर ले जो कहना है तूने उसको, है कह ले, उसकी बीवी है, पूछूंगा जब जवाब देगा तुझे, वो बुरा ना लग जाए उसे। अनिला जाके देख लेना। नहीं जाऊंगी मैं, अजाब की हुई है जिंदगी। अंबर तुम ये क्या कर रही हो? माना हमारी शादी वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, तुम नई दुल्हन हो और ये सब नहीं करना चाहिए तुम्हें। भूल रहे हैं आप, पहला दिन नहीं है इस घर में, बहुत साल गुजारे। इस घर का किचन, सारे कमरे, कुछ भी अजनबी नहीं है मुझसे। वैसे भी जब बाकी चीजों में कोई रस्में, रिवाजें, किसी चीज के भी मुताबिक हमने कुछ नहीं किया तो फिर इसमें क्यों? खैर इन बातों को छोड़े, मुझे बताएं नाश्ता क्या करेंगे आप? मैं तो लाइट सा नाश्ता करता हूँ। लाइट सा करते होंगे, लेकिन आज मैं पराठा बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। आप नाश्ते में क्या खाएंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे किचन में घुसने की? किसकी इजाजत से पूरे घर में दंदनाती फिर रही है? ऐसन, आपने मुझे बताया नहीं कि नाश्ता बनाने से पहले उनकी इजाजत चाहिए होगी। आप मुझे पहले बता देते तो पहले इजाजत ले लेती फिर नाश्ता बना देती। नहीं अंबर, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा अपना घर। और आप क्या चाहती, ये एक ही कमरे में बंद रहे? जब ये इस घर में रहेगी तो कहीं भी जा सकती, आदत डालें आप इस चीज की। बीवी तुम्हारी है ना, तुम लाए हो ना इसे, तो बेहतर यही होगा कि तुम्हारे कमरे तक महदूद होकर रहे। इसका वजूद पूरे घर में चलता फिरता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कहा आपने, अपने अलावा आप किसी और का वजूद बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, लेकिन ये यहीं रहेगी और इस बात की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अच्छा आप छोड़े ना, मुझे बताएं नाश्ता क्या करेंगी? ऐसन के लिए पराठा बना रही थी, आपके नहीं, आप पराठा नहीं खाए, आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो हैवी नाश्ता करना नहीं चाहिए आपको, कुछ लाइट से बना देती हूँ। हाँ चाय और टोस्ट दे देती हूँ। सादिक, ठीक है आप जाए, मैं कह रही बना रही। आज जनरल वार्ड में से कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए? डॉक्टर 3 पेशेंट। ठीक है आप बेड नंबर 5 का बीपी चेक करें, मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर। गुड टू सी यू हियर, इतने दिनों बाद देखा अच्छा लगा। और अगर फिर से रोज देखना पड़ गया तो बर्दाश्त कर लोगे? इस बात से कोई अच्छा मतलब निकाल सकता हूँ? मैं दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती हूँ।
I'll come back, Dr. Anna. Thank you. अब आप जा रहे हैं, आप तो चले जाएंगे दुकान पर, पीछे मैं रह जाऊंगी अकेले भुगतने के लिए। लोगों को पता चलेगा, आएंगे सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं? अनिला, तुझे हजार बार समझाया है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। ये मुसीबत जो ना तेरा बेटा ले गया है तेरे सर पर, रात से मुझे क्यों तंग किए जा रही है तू? तो क्या मुकरेंगे इस बात से कि वो आपकी बेटी नहीं है? इसका कोई ताल्लुक नहीं इस बात से कि वो मेरी बेटी है या नहीं है। वो किसी की भी बेटी होती तू मानती उसके वो तेरी बहू है? नहीं ना, तो फिर मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है तू? हाँ हाँ ठीक है भाई, मेरी गलती, मेरा ही कसूर है, मेरे हिस्से की तकलीफें हैं ना, मैं ही भुगतूंगी अकेले। अल्लाह अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? आपको क्यों अकेला महसूस करती हैं? सर दब आ रही थी आपका। चाय बना कर लाऊं? बहुत प्यार से बनाऊंगी। फास मत करो, सुबह भी कहा था अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? अगर आप किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती ना, तो कम से कम जो इज्जत आपको दी जा रही है अपने आप को उसी के काबिल साबित कर दे। हसन तुम नहीं जानते, नहीं जानते, ये सही नियत से नहीं आई है तुम्हारी जिंदगी में। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। अब आप इसको मेरी नजरों में गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको क्या मिलता है? दूसरों के दिलों में नफरत बोके आप क्यों नहीं सुकून से जिंदगी बसर करती अम्मी, और क्यों नहीं हमें सुकून और चैन से रहने देती? मैं जानता था जब मैं इसको शादी करके यहां लाऊंगा तो आप लोगों की नफरतें इसे और भड़काएंगी। इसलिए चाहता था कि अलग हो जाऊं, एक और दुनिया बसाऊं। ये अंबर ही थी जिसने मुझे समझाया कि इस उम्र में आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कमाल है, इसने तो यही ठान लिया है कि आप लोग जैसा भी सलूक करें ये यहीं रहेगी और मुझे भी आप लोगों से अलग नहीं करेगी। नहीं समझ, तुम नहीं समझ रहे हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम कभी भी नहीं देख सकते। तुम नहीं समझ रहे हो, मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतना प्यार करती हूँ सबसे, लेकिन पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। अंबर प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आप सॉरी नहीं कर। ये दवाई है ना मामा? रोज मुझे सुबह की दवा अंबर दिया करती थी, घर से निकलते हुए उसे कुछ याद हो ना हो कि मुझे दवा देना नहीं भूलती थी। पता नहीं क्या क्या भूल गई। आप भी भूल जाए ना मामा, अनम ठीक ही तो कहती है। एक तरफ तो आप कहती हैं कि आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, और दूसरी तरफ आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी बाकी की जिंदगी उसे याद करने में ही गुजरेगी। मामा प्लीज एक फैसला कर लें, अगर आपकी खुशी उसे माफ करने में तो अपना दिल बड़ा करें और उसकी इस शादी को कबूल कर रहे, यकीन करें हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हम तो आपकी खुशी में खुश हैं मामा। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, उसकी गलती कोई छोटी गलती नहीं है। मैं मरते दम तक उसे माफ नहीं करूंगी। उसके लिए ना मेरे घर में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि
तुम या ना मुझसे कोई रابता वास्ता रखोगी तो मैं तुम दोनों से भी जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। मैंने कहा ना मामा, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, फिर चाहे आप जो भी फैसला करें आप उसे भूल जाना चाहती हैं तो भूल जाए, मत याद करें उसको। लेकिन मामा, उसने जो आपको दुख दिया है मैं वो तो दूर नहीं कर सकती, लेकिन इस तरह आपको जलता हुआ भी नहीं देख सकती मैं। हमारे लिए तो खुश रहे, तुम दोनों के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, अंबर तो कहीं नहीं है। तुम यकीन करो मैं उसे याद नहीं करती, मैं तो खुद को ये याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि उसने मेरे साथ क्या किया और मुझे उसे कभी माफ नहीं करना, कभी नहीं। अच्छा छोड़े, मत याद करें इन बातों को, सबसे बच ये याद रखिए कि आपकी सारी दवाइयां मुझे देनी है आपको, ये नहीं चलिए दवाई का। मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त उसका पता भेजो। अच्छी तरह जानती हो कहाँ रहती है वो मनहूस, तभी तो उसकी खबरें ला लाकर मुझे तुम देती थी। एक तरफ बैठकर तमाशा नहीं देख सकती, मुझे अभी इसी वक्त पता भेजो, जाकर उसे तमाशा सिखाओ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। नहीं वाह, आपने तो रिश्तेदारों को खुशखबरी देना भी शुरू कर दी, बड़ी अच्छी बात। मेरे मुंह मत लगो ऐसे, ये मत समझना कि तुम्हारी इस हरकत से हार मान ली है मैंने। उस लड़की को बहू मान लूंगी मैं? हार मान ले तो अच्छी बात है, सारी जिंदगी एक छत के नीचे अजनबियों की तरह कैसे रहेंगे। सारी जिंदगी आपने अपनी मनवाई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों की माने, समझौता करना सीख लें वरना बुढ़ापे में अकेली रह जाएंगे। तो मुझे धमकियां दे रहे हो? मेरी मजाल, आपको धमकी मशवरा दे रहा। अच्छा चलो सुनो, कैसा मशवरा है अच्छी तरह बताओ। अरे मैं तो बस यही कह रहा था कि शादी आपकी मर्जी की नहीं हुई, बहू आपकी मर्जी की नहीं आई, लेकिन मैं आपको मौका देना चाहता हूँ कि आप अपने दिल के अरमान पूरे करें। मेरा और अंबर का वलीमा धूमधाम से करें, सबको बुलाएं, सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, सबको बताएं, अंबर से मिलवाएं। मेरी औलाद हो या किसी दुश्मन का फेंका हुआ जहर। ठीक, वैसे भी मुझे इन पुरानी रस्मों में कोई दिलचस्पी तो है नहीं, आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करना चाहती तो ना से, लेकिन मैं तो खुशी मनाऊंगा, सबको बताऊंगा, मिठाई भी पिटवाऊंगा, पानी लेकर आ, मेरी बातें हजम नहीं होती आपको। हेलो सादिक बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि दोबारा रابطہ मत करना। अरे मैं कौन सा तेरे से रابطہ कायम करना चाहूँ, मैं तो तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता मनहूस की। जब से तू गई है एक दफा ख्याल नहीं आया तुझे मेरा, और ना मुझे तेरा ख्याल आया। कभी तेरे घर जाता मैं, मगर मैं क्या करूँ, मुझे रहा नहीं गया, फोन करना पड़ गया मुझे तुझे। फोन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहती। तू क्या समझ रही थी है? क्या समझ रही थी तू नाहीद, कि तू अच्छी हरकतें करेगी मुझे पता नहीं चलेगा है? मैं कुछ नहीं कहूंगा तुझे, क्या समझ रही थी तू? बोलने बनने की जरूरत नहीं नाहीद तुझे, तू तो मुझे ये कह गई थी कि बेहतर बच्चे पालेगी तू मेरे से। ये बच्चे पाले
मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है तू? मेरे बच्चियों को, मेरी बेटियों को है? मैं जानता हूँ जितना भी मैं बुरा बाप हूँ ना, तेरे जैसा बेगलत नहीं हूँ मैं कि हसद और जंग में अपनी बच्चियों को इस्तेमाल करूँ। शतरंज के बोरों की तरह इस्तेमाल कर रही है तू मेरी बेटियों को। शर्म से डूब मर तू नाहीद, शर्म से डूब मर तू। तो बड़ी मजेदार है। महंगी वाली दुकान से है ये देखो। किसकी खुशी में आई? वो एहसन भाई है ना, अपनी शादी की खुशी में पूरी मार्केट में मिठाई बांट के गए। ये एहसन की खुशी में दे रहा है तू मुझे है? तुझे पता नहीं जलील करने के लिए उसने मुझे ये काम किया है। वैसे भाईजान ये बताओ कि एहसन भाई ने मजाक किया या वाकई शादी की है? लो, लो। पता चला तुझे? धक्के देके निकालो उसे यहाँ से। एक तो मीठी मिठाई की आई है, फिर भी प्यार के दो बोल नहीं निकलते मुंह से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी जैसा छोड़ के गई थी अभी तक वैसी बैठी है। इसी तरह चलता रहा तो आप हालत खराब कर लेंगे। किस्मत ही खराब हो तो सेहत ठीक करके क्या करूं? क्यों? आपकी किस्मत सिर्फ अंबर से ही जुड़ी हुई है, सिर्फ उसी से ताल्लुक है आपका। मेरे और आप ही के होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हमारे लिए नहीं ठीक रह सकती, हमारे लिए नहीं जी सकती आप? मैं भी सुबह से यही समझा रही हूँ इन्हें, अंबर को ना सही, हमें तो इनकी जरूरत है। वो तो छोड़कर चली गई, उसके लिए कल रात से आंसू बहा रही। मामा हम तो आपके पास है ना, हमारे लिए ये सब कुछ भुला के मुस्कुरा नहीं सकती आप? मुस्कुरा दूंगी, जब ये सब भूल जाऊंगी तो मुस्कुरा भी दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त तो दो, मैं कोशिश करूंगी। अम्मी कल से मेरी ड्यूटी शुरू हो रही है, अगर इसी तरह रहा तो मुझे आपकी फिक्र होती रहेगी। जॉब मिल गई तुम्हें? कहाँ जॉब कर रही हो? जिस हॉस्पिटल से जॉब छोड़ी थी बस
वहीं दोबारा ज्वाइन कर लिया। अच्छी बात, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि काम को और जाती जिंदगी को अलग रखना चाहिए। आपस के इख्तलाफात आपस में ही नजरअंदाज होने चाहिए। मेरे और डॉक्टर जवाद के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है और ना ही कोई गलत फहमी है। अरे इंसान सलाम का जवाब तो देता है। मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, ऐसी क्या बात हो गई? ये लेकर क्या आए आप मेरे लिए? ये क्या कर रही है तू? हैं? देख रही हूँ मेरे लिए क्या लेकर आए। तुझे इतनी खुशफहमी क्यों है कि मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊंगा? अरे नहीं, बेटी होने के नाते मुझे आपसे कोई खुशफहमी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है? सोचा बहू होने के नाते कुछ दे देंगे आप। मामा, ये दवाई तो आपकी बिल्कुल ही खत्म हो गई। मैं अनम से कह देती हूँ, वो ले आएगी। ये ले, आप ये खाएं, मैं देखती हूँ। ये रहे। कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरी जिंदगी में जहर घोल के आज चुप के बैठी है। निकलो आज बाहर, आज चुप नहीं रहूंगी मैं। चुप करो, तुमसे बात करने नहीं आई हूँ मैं। देखिए, अम्मी की तबीयत उसकी तबीयत। दिल में मेरी जगह नहीं, मेरा राज है। मेरी जिंदगी में आग लगाकर मैं सुकून से बैठी। क्यों तुम लोग बार बार मेरे सामने आ जाते हो? बाप होने का कोई फर्ज तो निभा दे। अबे वो मुझे बाप मानती नहीं। अपने तरीके से निकालो या जाओगी। आपके तरीके बहुत सालों पहले देख चुकी हूँ मैं। अब तो ना वो वक्त रहा है और ना ही वो मोहरे। अगर अनिला का बेटा इस घर का दामाद बन सकता है तो फिर डॉक्टर जवाब क्यों नहीं? बाप की बेरहमी खुद वर्षी किसी औलाद में तो आनी ही थी। तुम्हारी बेटी को वापस इस खंडर में ना भेजा तो मेरा नाम बदल देना। जहाँ भी सजदा करे आज जाना तन्हाई।